सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस देखो, अभी आज मम्मी पापा का एनिवर्सरी है, आज मैरिज एनिवर्सरी है, तो उसका थोड़ा कुछ बेसिक सा ही सेलिब्रेशन करेंगे, क्योंकि बारिश भी चल रही थी अभी तक। अभी मैं शॉप में भी गया था तो पूरा भीग के आया, तो वहाँ का भी क्लिप आप इसके बाद देख ही लेना। तो चलो, अभी भी फिर से मार्केट में ही जा रहा हूँ, थोड़ा केक वेक लाने, सामान वगैरह लाने, तो दिखाता ही हूँ मैं आपको। अभी थोड़ी सी धूप निकल चुकी है, लेकिन इसके पहले आधे घंटे पहले बहुत तेज़ी से बारिश हुई, तो मैं बाहर गया था तो भीग भी गया। वो अभी आप पहले देख लो, तो मैं आपको मिलता हूँ सीधा मार्केट में। तो गाइस देखो, अभी ग्रोसरी शॉप में आया था, एक सामान मम्मी ने बोला तो लेने के लिए, और लेकिन वो सामान तो ले लिया, लेकिन जाते जाते इतनी बारिश आ रही है, अभी घर कैसे जाऊँ वो सोच रहा हूँ। तो देखो, फाइनली अभी घर पे आ चुका हूँ सब लेके, और पीछे देखिए सबसे बारिश। अभी कैमरा में तो ऐसे नहीं दिख रहे, मैं बैक कैमरा से दिखाता हूँ। रुको गाइस, देखो इंटेंसिटी, देखो बारिश की, मतलब मैं 2 मिनट नहीं हुआ आया, देखो पूरा इतना कुछ गीला हो चुका हूँ। अभी गेट लगाना है, ये भी एक अलग टास्क है। मैं तो कुछ नहीं, ऊपर जाऊँगा अभी, घर पे अंदर चला जाऊँगा तो छाते से भी बंद कर सकता हूँ, लेकिन आज देखता हूँ। पानी 2 मिनट में रुका तो वैसे ही कर दूँगा, फिर अंदर जाऊँगा। अभी शॉप के बाहर तो आ चुका हूँ, अभी फटाफट सामान लेते हैं। एक जगह से तो नहीं मिलेगा पूरा सामान, 2-3 जगह जाना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं अभी फटाफट, कितने दुकान घूमना पड़ता है आज। कभी कभी एक दुकान में नहीं मिलता तो दूसरे दुकान में भी जाना पड़ता है। तो चलो गाइस, ब्लॉग में बने रहे, मैं दिखाते ही आपको कौन से दुकान से क्या क्या खरीदा। तो चलो अभी फटाक से दुकान में जाता हूँ। अभी शॉप से निकल चुका हूँ, और देख सकते हो इतना कुछ सामान तो ले लिया मैंने। ये शेव लिया है, ये बटर, और ये कुछ अनार लिए दाबेली के लिए, साथ ही साथ ये मसाला सिंगदाने जो दाबेले में डाले गए, और 3 पाव लिए है मिसल पाव के लिए। तो बस इतना कुछ, अभी बस आगे जा रहा हूँ, और 2-3 सामान लेने हैं, तो दिखाता ही हूँ मैं आपको, चलो। तो गाइस देखो, अभी बाकी का जो जो सामान था वो तो सब कुछ ले लिया। अभी सबसे डिफ़िकल्ट टास्क था केक चूज़ करना, क्योंकि मम्मी पापा को पसंद भी आना चाहिए था और भैया को भी पसंद आना था, तो इसीलिए सब देख रहा था। अच्छी शॉप है, यही आया था, बहुत वैरायटी थी। अभी आपको घर जाके पता ही चलेगा कौन सा केक हम ले रहे हैं। वो देखो, वो जो दीदी ने हटाया केक, वही कुछ मैंने ले लिया था। अभी वो यहाँ तो नहीं दिखेगा सही से ही, घर जाके दिखाऊंगा। तो दोस्तों देखो, अभी जस्ट घर पे आया हूँ, अभी फटाफट थोड़ा हाथ पैर धो लेता हूँ, और फिर फटाक से बनाने लग जाता हूँ, क्योंकि प्रिपरेशन करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और जल्दी भी होना चाहिए। अभी 7:30 ऑलरेडी बज चुके हैं, बनाते बनाते 8:30 तो हो ही जाएंगे। ज़्यादा कुछ तो नहीं है, मिसल बनानी है और दाबेली का मसाला बनाना है। तो चलो, सब सामान तो ला लिया मैंने, अभी आपने देखा ही, तो फटाफट केक भी ला लिया। अभी जब केक काटे गए तब मैं आपको क्लियरली दिखाऊंगा कि कौन सा केक लाया है। तो चलो फटाफट अभी सब प्रिपरेशन करता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। दोस्तों देखो यार, कांदा वगैरह काट लिया, कांदा और टमाटो। अभी फटाफट मिसल का मसाला भी रेडी है, तो फटाफट मिसल लेता हूँ बनाने के लिए। तो गाइस देखो, अभी मिसल तो मतलब मसाला तो अच्छे से भून गया है, अभी थोड़ा पकने दे रहा हूँ। तो चलो अभी इसको पूरा बनाता हूँ। इसमें थोड़े से दाबेली के लिए आलू बॉईल हो रहे हैं, तो वो भी होने देते हैं। अभी पहले पूरा मिसल का मसाला बना लेता हूँ, उसके बाद फिर दाबेली का मसाला बनाऊँगा, वो भी दिखाऊँगा ये आपको। तो चलो ब्लॉग में बने रहे। देखो अभी फाइनली पूरा कुछ हो चुका है, ये देखो मिसल बहुत अच्छी बनी है गाइस, कलर से लग ही रहा होगा आपको। ये देखो मटकी भी पूरी ऐसे मतलब अच्छे तरीके से पक चुकी है, और इसका जो रस्सा है कंसिस्टेंसी भी ठीक है, और मैंने अभी टेस्ट भी किया तो बहुत उम्दा लग रहा था, इसे तो ढक देते ताकि गर्म रहे। और साथ ही साथ ये देखो, ये दाबेली का कुछ मसाला है, तो दाबेली का मसाला भी मैंने फुल बना लिया है, तो इसे भी ढक देता हूँ। 1 मिनट गिर रहा था, अरे हाँ। और ये प्याज मतलब दाबेली में भी डालने के लिए और मिसल में भी डालने के लिए, ये भी हो गया। तो चलो अभी फटाफट थोड़ा फ्रेश होता हूँ, क्योंकि गैस के पास हर रोज़ आदत नहीं है, तो थोड़ा पसीना आ गया। फटाफट फ्रेश होता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे।
तो गाइस देखो, ये कुछ केक था, आपने देखा ही, शॉप में गया था तो ये कुछ पसंद आया था। ये देखो मम्मी पापा फुल रेडी हो चुके हैं, ये भैया। तो चलो अभी फटाफट केक कटिंग करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको व्लॉग में। सेलिब्रेशन तो पूरा हो ही गया, आपने देखा ही, अभी पार्टी टाइम है। तो मैंने जो जो बनाया वो सब अभी सेट कर लिया है, अभी फटाफट सिर्फ परोसना ही है, मतलब पाव वगैरह तो गर्म करना है, अच्छे से फ्राई करना है, फिर उसके बाद परोसना है। रुको मेरा सेटअप पूरा दिखा देता हूँ आपको, बहुत अच्छे से लगाया मैंने सेटअप, हर बार लगाता हूँ, ब्लॉग के लिए ही नहीं लेकिन हर बार लगाता हूँ ऐसे ही। रुको दिखाता हूँ आपको, देखो मिसल पाव के लिए पाव यहाँ रेडी है, ये दाबेली के लिए चना, ये अपने सिंगदाने थे, अनार, कांदा, प्याज तो चाहिए, दाबेली में भी चाहिए और मिसल पाव में भी चाहिए, इमली की चटनी, ये तीखी चटनी, ये आलू मिसल पाव के लिए, ये अपना जो दाबेली का मसाला है वो भी बना के रखा है, ये अभी गरम करूँगा इसमें, मतलब ये पूरी दाबेली भी बना के रखी है सब मैंने, क्योंकि देर नहीं होनी चाहिए, फिर फटाफट सब साथ में ही खाएंगे। और ये देखो गरम गरम मिसल आपको दिखाई मैंने बनाते समय, अभी देखो बहुत अच्छा रंग आ चुका है, इसे भी सब स्प्राउट्स है यार इसमें, मटकी, मोट, मूंग वगैरह सब है, चना भी है, तो इसे करते हैं। तो चलो मैं अभी पापा की थाली लगा रहे हूँ। तो दोस्तों देखो मम्मी पापा ने तो खा लिए मिसल, तो मिसल पाव सब खा लिए, अभी मैं आपको एक बार बना के दिखाता हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा फेमस है मिसल, मोस्ट प्रोबेबली जो मोस्ट वो अपने जो नासिक एरिया और कोल्हापुर एरिया उधर ज़्यादा फेमस है, तो उसी हिसाब से मैं आपको बना के दिखाता हूँ कैसे क्या बनानी है मिसल, आप भी घर पर ट्राई कर सकते हैं। रेसिपी तो नहीं बता रहा, मतलब हाउ टू प्रेजेंट इट वो कुछ बता रहा हूँ आपको। तो चलो अभी फटाफट मैं मेरे लिए बना ही रहा हूँ, घर वालों ने तो मिसल पाव खाया, मैं सिर्फ मिसल खाऊँगा चम्मच से, क्योंकि पाव में बहुत ज़्यादा फैट्स रहता है तो वो नहीं खाऊंगा आज। तो चलो दिखाता हूँ आपको कैसे बनाना है मिसल। तो गाइस देखो अभी मिसल प्रिपरेशन कैसे करना है बताता हूँ। देखो सबसे पहले इसमें आलू डालना, आलू की सब्ज़ी, तो जितने क्वांटिटी में मिसल बना रहे उसके हिसाब से आप देख लो। अभी ये देखो आलू की सब्ज़ी डाली मैंने अभी, अभी इस पर हम डालेंगे मटकी, जो भी स्प्राउट्स वगैरह हमने बनाए मोट में बट विदाउट रस्सा, उसका रस्सा नहीं डालना है, जो भी स्प्राउट्स है वो डालने हैं। तो देखो इसके ऊपर वो डाल दिए, ज़्यादा नहीं डालना, सही सही क्वांटिटी लेना, इतने कुछ डाल दिए, अभी रस्सा नहीं डालना। सबसे पहले देखो थोड़ा फरसान है, वो फरसान डालने का, कोई ऊपर डालता है कोई साइड पे डालता है, तो देखो ऐसा कुछ इतना फरसान डाला है, वो इसमें भी जो पापड़ी वाला रहता है और सेव वाला रहता है वो ज़्यादा फरसान डालना पड़ता है, तो वो कुछ डाल दिए।
अभी देखो अभी थोड़े से अनार, ये तो ऑप्शनल है, अभी हमारे घर थे इसलिए डाला, तो ये देखो अनार डाल दिए। उसके बाद प्याज, तो प्याज भी डाल दिया, और ये नींबू रख देंगे ऐसे ऊपर। तो ये रेडी, मतलब वैसे रेडी हो गई, लेकिन जब आप खाने के लिए लेंगे तब उसमें ये रस्सा डालना पड़ेगा ऐसे ऊपर से। तो देख ही सकते हो रस्सा बहुत अच्छा बना है, तो एक साइड डालेंगे क्योंकि नहीं तो फिर वो फरसान पूरा थोड़ा गल जाएगा। तो जब हम खाएंगे तब हमारे हिसाब से हम चम्मच से इसे बराबर कर सकते हैं। देखो ये तो पूरी मिसल जो है वो रेडी हो चुकी है, अभी बस देखो ये स्पून डाल दी इसमें, तो जब खाएंगे हम तो इसे मिक्स करके खाएंगे। तो चलो अभी मैं भी फटाफट खाता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। दोस्तों देखो अभी 11 बज चुके हैं, सब समेट लिया यहाँ का और सबका खाना वगैरह तो हो चुका, भैया का भी हो गया। तो अभी तो मतलब बहुत ज़्यादा नींद आ रही है क्योंकि मिसल बहुत हेवी खाना हो जाता है तो जल्दी नींद आती है, तो वही कुछ हो रहा है मेरे साथ। मैंने वैसे भी पाव तो खाई नहीं, सिर्फ मिसल खाई, तो उसमें इतना आ गया। भैया तो बस बेड पे गिर भी गया है सोने के लिए, तो चलो मैं भी सोता हूँ, भी एडिटिंग देखता हूँ। सुबह 4 बजे उठ के कर लूँगा एडिटिंग, क्योंकि कल सुबह 8 बजे ब्लॉग आना ही है, तो सुबह 4 बजे उठ के एडिटिंग कर लूँगा, अभी फटाफट सोता हूँ। तो चलो गाइस आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, मतलब आज एनिवर्सरी ब्लॉग था, पापा मम्मी की एनिवर्सरी थी। तो अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है ऐसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, गुड बाय।